ग्रेटर नोएडा में चल रहे विश्व के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो 2020 में शानदार कारों की चमक दिखी। ऑटो एक्सपो में दूसरे तीसरे दिन कई कारों से पर्दा उठा। ऑटो एक्सपो में शाहरुख खान ने हुंडई क्रेटा एसयूवी का दूसरा वर्जन पेश किया। कंपनी ने ऐलान किया है कि ये नई एसयूवी इसी साल मार्च में लॉन्च कर दी जाएगी। With all due respect and love to everyone here, I'm like the father of Hyundai in India, like I'm the father of my son. So for me, every time I come here, though this is not my expert area, we have Mr. Koo who's explained to us the design, the business, Mr. Kim is going to, and all the team members are here. And the media, of course, wants to know what's going to happen to the new cars and what is the new innovation. And of course, all the technology that is being brought here by Hyundai is fantastic, and you will get to know the details. But my job always has been to just be proud of the fact that for years we've been working. We've been working in marketing, we've been working in technology, we've been working in design. But the main thing that happened to us in the last 22 years, the main thing that happened to us in the last 22 years is that I think India, Indian customers, Indian people, वहीं हुंडई ने ऑटो एक्सपो में ट्यूसान एसयूवी का फेसलिफ्ट मॉडल भी पेश किया। मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसकी स्टाइलिंग में कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही एसयूवी में नए फीचर शामिल हुए हैं। लुक के साथ साथ इसके केबिन को भी अपडेट किया गया है। अपडेटेड ट्यूसान के अंदर नया सेंटर कंसोल और 8 इंच का नया टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें 2.0 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन है। इनके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। फीचर्स की बात करें तो इसमें दूसरी लाइन के पैसेंजर्स के लिए यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे। ट्यूसान फेसलिफ्ट को मार्च में लॉन्च किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपनी 7 सीटर एसयूवी ग्रेविटस से पर्दा उठा दिया है। ये हैरियर एसयूवी का 7 सीटर वर्जन है। टाटा ने मिनी एसयूवी एचवीएक्स भी पेश की। इसे बाजार में नेक्सॉन के नीचे की रेंज में उतारा जाएगा। महिंद्रा ने ऑटो एक्सपो ईएसयूवी का नियर प्रोडक्शन वर्जन पेश किया। स्कोडा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी कैरर से पर्दा उठा दिया है। भारतीय बाजार में इसे इस साल के अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। मार्केट में इसकी टक्कर जीप कंपास, होंडा सीआरवी और हुंडई टूसान जैसी प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी से होगी। गुरुवार देर शाम सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसके बाद आज तीसरे दिन आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो खुल गया है। कंपनियों का जोर यात्री सुरक्षा, पर्यावरण के लिए अनुकूल और बेहतर माइलेज वाले वाहनों पर रहा। मारुति सुजुकी लिमिटेड ने मिशन ग्रीन मिलियन थीम पर अपनी पहली ई कार फ्यूचरो ई की झलक दिखाई। कंपनियों का कहना है कि BS6 मानक के कारण वाहन थोड़े महंगे हो जाएंगे। बेहतर माइलेज और अन्य सुविधाओं के लिहाज से ये पहले के मुकाबले सस्ते ही पड़ेंगे। कंपनियों का ई वाहन पर खासा जोर रहा। हीरो का हाई स्पीड ई स्कूटर आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं भारत की इलेक्ट्रिक वाहनों की बड़ी कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने अपने 2 नए प्रोडक्ट भी पेश किए हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने पहली बार ट्राई बाइक पेश की। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक होगी और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी।